हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज तीन अध्याय। अध्याय 15 जिसमें हम जलोढ़ और जल प्लावन को देखेंगे, अध्याय 16 जिसमें चकबंदी को देखेंगे, और अध्याय 17 जिसमें ग्राम अधिकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राम अधिकारियों के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका अध्याय 15 जलोढ़ और जल प्लावन, जिसमें दो सेक्शन दिए हुए हैं आपका, धारा 203 और 204। सबसे पहले देखिए धारा 203 मैंने बोर्ड पे इसके स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, आपको जो बता रहा हूँ उसे समझिएगा, बाकी हम इसे डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, धारा 203 बोलता है कि किसी भी तट के जलोढ़ भूमि राज्य सरकार में निहित होगी। किसी भी तट की जलोढ़ भूमि राज्य सरकार में निहित होगी, इसका मतलब किसी भी नदी के तट के जलोढ़ भूमि पर जो अधिकार है वो राज्य सरकार का होगा। तथा इसके आगे क्या बोलता है, तथा इस बढ़ी हुई जलोढ़ भूमि का जो विस्तार है, यदि किसी एक भूधारक, किसी एक भूमि के धारक या भूस्वामी के अगर क्षेत्र में होता या खातों में यदि इस जलोढ़ भूमि का विस्तार होता है, तो वह भूस्वामी इस बढ़ी हुई जलोढ़ भूमि के उपयोग करने का हकदार होगा। ठीक, समझना। देखिए, पहले इसको डायग्राम समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक नदी है, एक नदी बह रही है, और नदी के जो आसपास के जो रेड डॉट मैंने लगाया है, ये है आपकी जलोढ़ भूमि। जलोढ़ भूमि का मतलब क्या होता है कि आप सभी को मालूम होगा कि नदी, एक जो नदी बहती है, नदी के आसपास का क्षेत्र यदि आप देखेंगे तो काफ़ी कीचड़ वाला या दलदली टाइप का थोड़ा क्षेत्र रहता है। वो दलदल जो एक्चुअली में है वो नदी के अंदर का गाद होता है। नदी के अंदर का गाद मतलब नदी जो काफ़ी दूर से बहते हुए आती है, वो बहुत सारे आपके मिनरल्स, बहुत सारे आपके खनिज को एकत्रित करते हुए एक गाद के रूप में बहाते हुए लाती है, तथा इसे अपने किनारों की और उस गाद को सरकाते हुए ये आगे बहती है। ये जो नदी के किनारे में जो गाद रहते हैं वो काफी उपजाऊ रहते हैं, यदि आप उसमें कोई भी फसल उगाएंगे तो उसकी पैदावार काफी ज्यादा होती है। यदि आपको एग्जांपल दूं तो जैसे अगर हम अखिल भारतीय स्तर पर देखें, तो जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश काफी फसलों के जो उपज है उसमें, उसके पैदावार में वो एक अग्रणी राज्य है। उसका कारण क्या है, वहां पर है आपका गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, यानी गंगा और यमुना की वहां पर जो जलोढ़ भूमि है वो काफी ज़्यादा, मतलब क्षेत्र में उसका विस्तार है, इस कारण वहाँ पे काफ़ी फसलों का वहाँ पे उपज होता है। तो यही होती है जलोढ़ भूमि। जलोढ़ भूमि जो नदी के अंदर का जो गाद होता है या जो कीचड़ होता है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक, तो इसमें क्या बोलता है कि किसी भी नदी के तट, धारा 203 में क्या बोलता है, किसी भी नदी के तट की जलोढ़ भूमि राज्य में निहित होगी, यानी किसी भी नदी के आसपास का जो जलोढ़ भूमि है उस पर जो अधिकार है वो राज्य सरकार का होगा। ठीक, अब देखिए, इसी अब नदी के किनारे है, नदी के किनारे किसी का घर बसा हुआ है और उसके एक छोटे पैमाने पर उसकी एक कृषि भूमि है। ठीक, नदी के आसपास आप देखे भी होंगे, यदि आप कभी सफ़र कर रहे होंगे या किसी नदी को क्रॉस करेंगे तो उसके आसपास छोटे मोटे घर बने रहते हैं और उस घर में भी उनकी छोटी मोटी खेती या थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो इसमें क्या बोलता है कि अगर इस जलोढ़ भूमि, ये इस जलोढ़ भूमि का विस्तार किसी भूमि पर होता है, तो वह भूस्वामी इस जलोढ़ भूमि के उपयोग करने का अधिकार होगा। इस जलोढ़ भूमि का विस्तार यदि आपके किसी के भूमि पर या किसी भूमिधारक का भूमि पर होता है, तो वह इस जलोढ़ भूमि के उपयोग करने का अधिकार होगा। लेकिन कब तक, जब तक ये जो जलोढ़ भूमि है इसका विस्तार 1 एकड़ से ज़्यादा ना हो जाए, यानी 1 एकड़ से कम की भूमि अगर उसके भूमि के अंडर में आती है, यानी 1 एकड़ से कम की जलोढ़ भूमि उस व्यक्ति के भूमि के अधिग्रहण के अंतर्गत आता है, तो कम 1 एकड़ से कम होने के कंडीशन में उसे किसी प्रकार का अतिरिक्त भू राजस्व का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 1 एकड़ से अधिक हुआ तभी वह भुगतान करेगा। अब देखिए क्या होता है कि ये जो जलोढ़ भूमि है, आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जैसे जलोढ़ भूमि इतनी है, ऐसा क्या कंडीशन होता है कि आपका जलोढ़ भूमि का विस्तार यहाँ हो जाएगा। जैसे आप सभी को मालूम है कि नदी बहती है, नदी जब बहती है तो अपने आसपास के क्षेत्र को, जहाँ से वो बह रही है, आसपास की भूमि को काटते हुए बहती है। ये एकदम सडनली होने वाला प्रोसेस नहीं है, काफ़ी समय लगता है, धीरे धीरे उस भूमि को काटते काटते नदी अपना चौड़ाई को बढ़ाते हुए जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि आप सभी को मालूम होगा कि ये नदी बह रहा है और बरसात के समय में नदी के जल का स्तर बढ़ जाता है, जल का स्तर बढ़ने से उसमें बाढ़ आ जाता है। तो जब बाढ़ आता है तो नदी का क्या है, जैसे ही बाढ़ आता है तो नदी अपना इधर उधर अपना एक विकराल रूप धारण करके काफी शहरों के अंदर घुस जाता है। तो ये जो आसपास के जो क्षेत्र यहां पे रहते हैं वहां पे नदी क्या करता है, अपने अंदर का जितना भी गाद है उसे ला करके थोड़े अपने क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में फैला देता है। आसपास के
क्षेत्र में फैला दिया, मतलब जैसे ये है तो ये आपके जलोढ़ भूमि का यहाँ पे विस्तार हो जाता है। अब जैसे पानी तो भले बरसात खत्म हुआ तो पानी तो वापस अपनी नदी अपने ही मार्ग में बहेगा, लेकिन बाढ़ आने के कारण क्या होता है, जलोढ़ भूमि का काफी आगे तक इसका विस्तार हो जाता है। जो पहले जलोढ़ भूमि रहती है उससे ज्यादा उसकी भूमि का विस्तार हो जाता है। तो यही बोलता है कि धारा 203 बोलता है कि किसी भी तट के जलोढ़ भूमि पर जो अधिकार है वो राज्य सरकार का होगा, और यदि यह जलोढ़ भूमि का विस्तार किसी भूमि पर या किसी भूमि स्वामी के खातों के अंतर्गत होता है तो वह भूमि स्वामी इस जलोढ़ भूमि के उपयोग करने का अधिकार रखेगा या हकदार होगा, लेकिन कब तक, जब तक यह जलोढ़ भूमि 1 एकड़ से अधिक ना हो जाए। यानी यदि इसका विस्तार 1 एकड़ से, जैसे इसकी प्रॉपर्टी है, इसके प्रॉपर्टी में जलोढ़ भूमि का विस्तार हो गया, यदि वो 1 एकड़ से कम है तो उसे राज्य सरकार को किसी प्रकार का अतिरिक्त भू राजस्व का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि वह 1 एकड़ से ज्यादा हो जाता है, काफी एक्स्ट्रा एरिया पे वो फैल जाता है, तो उस कंडीशन पर एक भू राजस्व अधिकारी उसके लिए एक प्रीमियम डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे अब उसके एरिया में जलोढ़ भूमि का विस्तार हो गया तो वो फसल उगाएगा, उससे जो पैदावार है बढ़ेगा। आप सभी को मालूम है कि हमारे जो छत्तीसगढ़, क्या अगर हम अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो बहुत से कृषक हैं जो केवल पूरे साल भर में एक बार अपना एक ही फसल उगाते हैं, जिनके पास सिंचाई सुविधा मौजूद है वो 2 फसल उगा लेते हैं, लेकिन ये जो जलोढ़ भूमि है उसमें 3 फसल भी हो जाते हैं। 3 फसल मतलब आपके रबी का होगा, खरीफ का होगा, और जो नदी के तट पर है जैसे आपके छोटे मोटे जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ये जो आपकी नकदी फसलें हैं वो भी उन लोग उगा लेते हैं। मतलब इनकी पैदावार ज्यादा होती है तो इनकी इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो उन्हें सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यदि 1 एकड़ की, देखिए इसका भी कंडीशन है, 1 एकड़ से कम है तो कोई एक्स्ट्रा उन्हें भुगतान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 एकड़ से यदि अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन पे एक भू राजस्व अधिकारी उसके लिए एक प्रीमियम डिसाइड करेगा, और वो प्रीमियम जो वो वर्तमान में वो जो भू राजस्व अभी अदा कर रहा है उसके 120 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रखें कि 120 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 एकड़ से कम के कंडीशन में कोई भू राजस्व का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यदि वह जलोढ़ भूमि का विस्तार 1 एकड़ से अधिक हो गया तो उसे वर्तमान जो वो भू राजस्व का भुगतान कर रहा है उसके 1 गुने से अधिक नहीं होगा जो प्रीमियम राशि उसका डिसाइड किया जाएगा। ठीक, अब देखिए धारा 204 में बताया गया है कि भू राजस्व में वृद्धि और कमी का निर्धारण कौन करेगा। ये जो आपकी जलोढ़ भूमि है, जलोढ़ भूमि में जो वृद्धि हो रही है, ऐसा नहीं कि अब समझ लीजिए समय के साथ जलोढ़ भूमि का विस्तार हो गया 1 एकड़ की भूमि से ज्यादा हो गई तो उसे एक प्रीमियम, वार्षिक प्रीमियम, अतिरिक्त वार्षिक प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसका जो जलोढ़ भूमि है उसका विस्तार धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक, तो जब जलोढ़ भूमि का विस्तार कम होगा या ज्यादा हो रहा है इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण उस क्षेत्र का उपखंड अधिकारी करेगा। ठीक, तो देखिए इस जलोढ़ भूमि के विस्तार के आधार पर उसका भू राजस्व कितना होना चाहिए, उसके भू राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए या कमी होनी चाहिए, इसका निर्धारण आपका भू राजस्व अधिकारी करेगा। ठीक, तो इतना ही है, बस 2 ही सेक्शन है इसमें, इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिएगा कि 204 जिसमें बताया गया कि भू राजस्व में वृद्धि और कमी का निर्धारण आपका उपखंड अधिकारी करता है। नेक्स्ट, खातों की चकबंदी हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए इसमें जो सेक्शन कवर हो रहा है वो है आपका 205 से लेकर के 221 तक, 205 से लेकर 221 तक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा, काफ़ी IMP है। सेक्शन नंबर 205 धारा 205 जिसे बताया गया है आपके खातों की चकबंदी, खातों मतलब उसके अंतर्गत खेत भी आएंगे, आपकी जो रहने वाली भूमि है वो सभी को मिला करके एक साथ खाता कहा जाता है, तो खातों की चकबंदी। ठीक, देखिए ग्राम की समस्त भूमि या किसी भूमि का पुनर्वितरण, ग्राम के समस्त भूमि जो आपके गांव में जो अलग अलग भूमि है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग भूमि है, तो उनके भूमियों को पुनः उनके बीच में वितरित करना। ठीक, ग्रामों की समस्त भूमि या किसी एक भाग का उसे पुनः वितरित करना। देखिए खेती की सुविधा के लिए भू स्वामियों के भूखंड को आवंटित हो। देखिए खेती की सुविधा के लिए भू स्वामियों को भूखंड आवंटित करना, समझना क्या होता है, आपको काफ़ी पहले से बताते आ रहा हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए चकबंदी क्या होता है, चकबंदी एक कंडीशन में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे ए का खेत है, यहाँ पे बी का खेत है, यहाँ सी का खेत है, यहाँ डी का खेत है। ठीक, अब देखेंगे तो ए का खेत कुछ दूरी पर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ए का खेत मौजूद है, ठीक यहाँ पर भी ए का खेत मौजूद है। अब क्या होता है कि अगर ए को खेती करना होता है तो सबसे पहले वो यहाँ फसल उगाएगा, फिर अपने पूरे कृषि उपकरणों को ले जा करके दूसरे खेत में जाना पड़ता है, फिर ले जा
किया करके ये खेत फिर ये खेत, तो इससे क्या होता है समय की भी बर्बादी होती है, उपकरणों को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उससे कृषि की जोत का आकार भी कम होता जाता है। तो इसके लिए लाया गया है आपका चकबंदी। इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो हमने विनिमय वाला एक सेक्शन पढ़ा है उसमें भी मैंने बताया था कि ये क्या है, आपस में आपसी करार करके ए बी के साथ, ए सी के साथ, ए डी के साथ आपसी करार करेगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि इनके मध्य ये जो भूमि है, भूमि का पुनः वितरण किया जाएगा, इनके मध्य भूमि का पुनः वितरण किया जाएगा। इसके पश्चात क्या होगा कि ये जो बी को जो यहाँ की भूमि है वो बी को वो भूमि यहाँ अलॉट हो जाएगी, सी की भूमि है सी को भूमि यहाँ अलॉट हो जाएगी, और जो डी की भूमि है डी की उसकी भूमि यहाँ अलॉट हो जाएगी। मतलब अब ए के भूमि का विस्तार जो चार भाग में बटा हुआ था, अब ये पूरा का पूरा इतना बड़ा एरिया हो गया आपका ए का। तो ये होती है चकबंदी। देखिए, कृषि की सुविधा के लिए भू स्वामियों में जो उनकी भूमि को पुनः वितरित करना, उन्हें पुनः आवंटित करना, ये कहलाता है आपका चकबंदी। अब ऐसा नहीं है कि आप बी को यहां शिफ्ट कर रहे, सी को यहां कर रहे, डी को यहां कर रहे, अगर उनकी भूमि का साइज बड़ा है तो उस कंडीशन में उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा, वो आगे भी हम पढ़ेंगे। देखिए, अभी जो चकबंदी है, चकबंदी के प्रोसेस जो इसका जो जितना भी चकबंदी का जो आवेदन करेंगे या जो चकबंदी करेगा, जो भूखंड को पुनः वितरित करेगा, उसके लिए होता है एक चकबंदी अधिकारी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि छत्तीसगढ़ में चकबंदी का प्रोसेस नहीं है, मध्य प्रदेश में एक चकबंदी अधिकारी होता है, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। तो चकबंदी अधिकारी है, ये जो चकबंदी अधिकारी है यह तहसीलदार पद श्रेणी का होगा, यानी तहसीलदार के समतुल्य पद श्रेणी का जो अधिकारी होगा उसे ही चकबंदी अधिकारी बनाया जाएगा। और साथ ही साथ इसकी जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगा जिला स्तर पर, यानी जिला स्तर पर एक चकबंदी अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगा, तथा वह तहसीलदार पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का ना हो, यानी तहसीलदार पद श्रेणी के समतुल्य उसका पद होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है आपका धारा 206, धारा 206 जिसमें आपके चकबंदी की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, यानी क्या प्रोसीजर फॉलो होगा आपके चकबंदी के लिए। देखिए, दो या दो से अधिक भू स्वामी आवेदन करे, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, जैसे ये दोनों का आपस में एक्सचेंज करना है, चकबंदी करनी है, भूमि को पुनः वितरित करना है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति आपके आवेदन कर सकते हैं चकबंदी अधिकारी के पास। इसके अलावा कलेक्टर स्वप्रेरणा से निर्देश दे, कि जो एक गाँव है उस गाँव में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी के सभी की भूमि को पुनः वितरित कर दे, सभी के भूमि को, ग्राम में रहने वाली सभी की भूमि को पुनः वितरित करें। ये किस कंडीशन में होते हैं, आबादी वाले कंडीशन में, जिसमें सरकार रहने के लिए लोगों को घर अलॉट करती है, लोगों की रजिस्ट्री नहीं रहती, आबादी की जमीन देती है सरकार, उस कंडीशन में सभी को पुनः उनकी जो भूमि है उसे पुनः वितरित किया जाता है, तो वो कलेक्टर स्वप्रेरणा से निर्देश दे के भी कर सकता है। और तीसरा, अब जैसे ये तो कलेक्टर स्वप्रेरणा से निर्देश दे दिया, लेकिन अब समझ लीजिए कि ग्राम में रहने वाले सभी लोग चाहते हैं कि हमारी भूमि को फिर से उसका पुनः आपका वितरण किया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस ग्राम में रहने वाले दो तिहाई भूस्वामी, ग्राम में रहने वाले, उस गांव में रहने वाले दो तिहाई भूस्वामी यदि आवेदन करते हैं तो यह समझा जाएगा कि संपूर्ण ग्राम आवेदन कर रहा है, और उस कंडीशन में भी पूरे के पूरे संपूर्ण ग्राम का जो चकबंदी किया जाएगा, यानी उनके मध्य भूमि को पुनः वितरित किया जाएगा। ठीक, धारा 209 में चकबंदी की योजना के बारे में बताया गया, मतलब जैसे भूमि स्वामी है, भूमि स्वामी भले दो या दो से अधिक भूमि स्वामी हो सकते हैं, पूरे का पूरा गांव हो सकता है। अब योजना क्या होगा कि लोग अपने से डिसाइड करके, जैसे भूमि स्वामी स्वयं से एक योजना बना करके लाए, कि स्वयं से एक नक्शा बना दिए कि हाँ इसको इतना अलॉट होना चाहिए, इसको इतना अलॉट होना चाहिए, तो जैसे ए को इतना अलॉट हो रहा, बी को इतनी भूमि अलॉट होनी चाहिए, सी को इतनी अलॉट होनी चाहिए, और लोग आपसी सहमति करके एक योजना आपके चकबंदी अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो उस कंडीशन में चकबंदी अधिकारी उनकी योजना को देखेगा, उसका पुनरीक्षण करेगा, और पुनरीक्षण करने के बाद यदि उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता हुई तो उसे संशोधन करके उस योजना को आगे कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक, या अगर कोई ग्राम वाले अगर ये आपकी योजना बना करके नहीं लाते तो चकबंदी अधिकारी के पास भी अधिकार है कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं उसके आधार पर भी वह स्वयं से एक योजना तैयार कर सकता है। कौन सी योजना? लोगों के मध्य भूमि को पुनः वितरित करने की योजना बना सकता है, जिसमें वो ग्राम वालों से सहमति लेगा, यदि किसी को कम भूमि अलॉट हो रही है तो उसमें मुआवजा का भी प्रावधान है, तथा इसके बाद लोगों की सहमति के बाद वह कलेक्टर के सामने इसे प्रस्तुत करेगा। ठीक, यानी जब कलेक्टर आदेश देगा तभी यह चकबंदी की जो योजना है वो इंप्लीमेंट होगी।
ठीक। धारा 210, धारा 210 में बताया गया है कि आदेश के विरुद्ध निगरानी, प्रत्येक स्तर पर चकबंदी अधिकारी जो भी आदेश दे रहा है, जो भी आदेश एक चकबंदी अधिकारी दे रहा है उसकी निगरानी कलेक्टर करेगा। निगरानी मतलब एक तरीके का अपील, अपील नहीं बोल सकते, अपील कब किया जाता है, जब किसी के आदेश के विरुद्ध आप अपील करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, इनकी सहमति से हो रहा है, सहमति से हो रहा है, इसलिए आदेश के विरुद्ध जो है निगरानी हो रही है। तो चकबंदी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध निगरानी का अधिकार किसे है, कलेक्टर को प्राप्त है। ठीक, तो ये आपका अध्याय 16 भी खत्म। अध्याय 17 काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ग्राम अधिकारी, जिसमें धारा 222 से लेकर धारा 232 के मध्य आपके ग्राम अधिकारियों का बारे में बताया गया है। देखिए, धारा 222 जिसे बताया गया है पटेल के बारे में, पटेल के बारे में धारा 222 में बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि ग्राम या ग्राम समूह के लिए एक या एक से अधिक पटेलों की नियुक्ति कलेक्टर करेगा। क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर एक ग्राम के लिए या दो से अधिक ग्राम या पूरे के पूरे ग्राम समूहों के लिए एक पटेल या एक से अधिक पटेलों की नियुक्ति कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। धारा 222 जिसमें पटेल के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक ग्राम के लिए या पूरे के पूरे ग्राम समूह के लिए एक पटेल या एक से अधिक पटेलों की नियुक्ति कौन करेगा, कलेक्टर। धारा 223 जिसमें बताया गया है पटेल का पारिश्रमिक, पटेल का जो पारिश्रमिक वेतन है, पटेल का जो पारिश्रमिक वेतन है उसका निर्धारण कौन करेगा, उसका निर्धारण करेगा कलेक्टर, मतलब उसको कितना पारिश्रमिक देना चाहिए उसके कार्यों के लिए। ठीक, नेक्स्ट है धारा 224, धारा 224 जिसमें पटेल के कर्तव्यों के बारे में या पटेल के कार्यों के बारे में बताया गया, मतलब एक पटेल का पद तो बनाया गया है लेकिन उस पटेल के कार्य क्या होंगे। तो देखिए, पटेल का कर्तव्य या पटेल का कार्य किसमें बताया गया है, धारा 224 में, पटेल का कार्य क्या होता है, जो आपके पटेल क्या होगा, ग्राम स्तर पर होगा, तो ग्राम स्तर पर जितने भी भूस्वामी हैं उनसे कर संग्रहण करना या उपकर संग्रहण, उपकर को संग्रहित करके जिला पंचायत राजनिधि, जिला पंचायत राजनिधि में उसे जमा करना, जितने भी भूस्वामी मौजूद है आपके ग्राम स्तर पर उनसे उपकर कर राजस्व, भू राजस्व को इकट्ठा करके, एकत्र करके, संग्रहित करके उसे जिला पंचायत राजनिधि में उसे जमा करना। इसके अलावा जो ग्राम स्तर पर है उसका रखरखाव करना, या जैसे ग्राम स्तर है तो वहाँ पर सड़कों पर या जो उसके आरक्षित क्षेत्र है, जो आपकी राज्य सरकार की जो आरक्षित भूमि है, ठीक, या फिर आपकी जो बंजर भूमि है उस पर कोई भी गांव का भूस्वामी उस पे कब्जा ना कर ले। ठीक, जैसे आप सभी को मालूम है कि सरकारी जमीन रहती है तो लोग उस पे कब्जा करने देखते हैं, तो ये जो अतिरिक्त जो कब्जा हो रहा है, तो ये जो आरक्षित भूमि है उस पर लोगों के कब्जा को रोकना, सड़कों पे लोगों के कब्जा को रोकना, जैसे कोई आरक्षित वन है जो सरकार द्वारा पर्टिकुलर उसे एक रिजर्व फॉरेस्ट है, तो उस क्षेत्र में आपके अतिरिक्त जो कटाई है, जो बिना परमिशन के या बिना लाइसेंस के जो कटाई की जाती है, अत्यधिक जो कटाई की जाती है, उस कटाई पर रोक लगाना या उसके संबंधित जो भी के रिपोर्ट है उसे राजस्व पदाधिकारी तक पहुंचाना। तो ये सारे के सारे होते हैं, मतलब उसके कर राजस्व का संग्रहण करना, लोगों को उनके अतिक्रमण करने से रोकना, सरकारी भूमि पे लोगों के अतिक्रमण करने से रोकना, इसके अलावा जो आरक्षित आपके वन है वहां पे अतिरिक्त कटाई करने से लोगों को रोकना, ये सारे के सारे आपके पटेल के कार्य या उसके उत्तरदायित्व या कर्तव्य है। ठीक, तो इसके लिए आपके पटेल की नियुक्ति की जाती है। धारा 226, धारा 226 में आपके पटेल को पदमुक्त, पटेल को उसके पद से हटाने की शक्ति कलेक्टर के पास है, जो नियुक्ति करेगा वही उसे पद से हटा सकता है, याद रखिएगा। धारा 226 के अंतर्गत कलेक्टर को उससे उसके पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है, कलेक्टर को है, सॉरी, धारा 226 पटेल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो वो है आपके कलेक्टर को। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो धारा 227, धारा 227 में आपके पटेल को दंड, जैसे पटेल का एक कर्तव्य डिसाइड किया गया धारा 224 के अंतर्गत, तो जो जो वो उसे कर्तव्य डिसाइड किए गए हैं, यदि वह अपने कर्तव्य का पालन या अपने कार्यों को जो उसे कर्तव्य अलॉट किए गए हैं उसे करने में वो असफल रहता है, तो उस कंडीशन में उसे दंड देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा तहसीलदार के आदेश पर। यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहता है, अपने कार्यों को करने में असमर्थ रहता है, तो उस कंडीशन में तहसीलदार के आदेश पर उसे दंड या जुर्माना का प्रावधान है आपके धारा 227 के अंतर्गत। यह जुर्माना राशि अधिकतम 1000 रुपए तक की हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट,
धारा 230, धारा 230 जिसमें बताया गया है आपके कोटवार के बारे में, कोटवार के बारे में बताया गया है आपके धारा 230 में, जिसमें यह बताया गया है कि ग्राम या ग्राम समूह के लिए एक या एक से अधिक कोटवार होगा, पर्टिकुलर एक ग्राम या ग्राम समूहों के लिए एक कोटवार होगा। ठीक, देखिए मध्य भारत, मध्य भारत मतलब हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य भारत में ये जो पुलिस चौकीदार होते हैं ना थाने में या जो कोतवाली में जो पुलिस चौकीदार होते हैं, उन पुलिस चौकीदार ही आपके कोतवाल कहलाते हैं, कोटवार कहलाते हैं। देखिए कोटवार के कर्तव्य का पालन इसमें लिखा हुआ है कि आपके छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में कि 230 में बताया गया है कि ग्राम या ग्राम के समूह के लिए एक या एक से अधिक कोटवार होंगे। मध्य भारत में, मध्य भारत यानी हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका जो पुलिस चौकीदार है वही कोटवार की भूमिका निभाएंगे, यानी कोटवार के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? पुलिस चौकीदार। ठीक, और ये जो पुलिस चौकीदार है इसका जो नियंत्रण है ये राजस्व पदाधिकारी करेंगे, यानी राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर ही ये आपके पुलिस चौकीदार या ये जो कोटवार है वो अपने कार्यों को करेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में हो, कई स्थानों पर ये जो कोटवार है उसे ग्राम चौकीदार या चौकीदार भी कहा जाता है, इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका धारा 232, धारा 232 में आपका ग्राम सभा के बारे में बताया, ग्रामों के प्रबंधन के लिए, ग्रामों के प्रबंधन के लिए, ग्रामों के प्रबंधन के लिए मतलब जिन ग्रामों में ग्राम पंचायत नहीं है, जहां पर पंचायतें नहीं हैं, जिन ग्रामों में ग्राम पंचायतें नहीं है वहां पर ग्रामों के प्रबंधन के लिए मतलब उस ग्राम के मैनेजमेंट के लिए वहां पे जो जो उनको सुविधा मुहैया कराया जाना चाहिए, तो एक मैनेजमेंट साफ सफाई हो गया, वहां पे आपका मुक्तिधाम को निर्माण करना, तो ये सारे के सारे जो वो ग्राम का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट संभालने के लिए ग्रामों के प्रबंधन के लिए एक ग्राम सभा होगी। ठीक, ग्राम या ग्राम के समूह ग्राम सभा कहलाएंगे, यानी जैसे पर्टिकुलर एक ग्राम को भी ग्राम सभा बना दिया जाएगा, एक ग्राम है जिसमें ग्राम पंचायत नहीं है तो उसे भी ग्राम सभा बना सकते हैं, या दो या तीन ग्रामों को मिला करके भी एक ग्राम सभा बना सकते हैं। तो वही बोल रहा है ग्राम या ग्रामों के समूह को मिला करके भी ग्राम सभा बनाया जा सकता है। अब देखिए ये ग्राम सभा की संरचना क्या होगी, ग्राम सभा की संरचना इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा तथा सदस्य, कम से कम इसमें तीन सदस्य होने आवश्यक है, अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो ग्राम सभा की संरचना है इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव और आपके कम से कम तीन सदस्य होने आवश्यक है। और ये जो ग्राम सभा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जो उस ग्राम से संबंधित समस्त प्रबंधन के कार्य यानी मैनेजमेंट के कार्य को संभालेगा। ठीक, तो इतना जितने भी हमने पढ़े वो सारे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये ग्राम अधिकारियों को याद रखिएगा, सेक्शन के साथ याद रखिएगा कि 222 में पटेल के पद का उल्लेख है, 230 में आपके कोटवाल के पद का उल्लेख है, 232 के अंतर्गत आपके ग्राम सभा का उल्लेख है, सारे के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जितना कॉन्सेप्ट बताया हूं कॉन्सेप्ट समझते चलिए, कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल धाराओं को ही बस रटते मत रहिए। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।